राइट हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द गेटवे क्लासेस माय नेम इज महेंद्र सिंह तोमर और मैं आपको पढ़ा रहा हूं सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर इस सब्जेक्ट को बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है मतलब बीटेक फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं चाहे वो किसी भी ब्रांच के हों सी एस मैकेनिकल सिविल ई मतलब कॉमन टू ऑल ब्रांच ये सब्जेक्ट होता है अगर हम बात करें ए के टी यू की तो एकेटीयू बीटेक मैकेनिकल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स फिलहाल इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं है ना और कुछ साल पहले की अगर हम बात करें तो ए के अंदर भी ये सब्जेक्ट बीटेक फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाया जा रहा था है ना तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज ट्रस है ना काफी स्कोरिंग टॉपिक है और लेक्चर नंबर वन है आज का और काफी इंपॉर्टेंट रहता है लेक्चर नंबर वन क्योंकि हम किसी भी टॉपिक का जब फर्स्ट लेक्चर पढ़ रहे होते हैं

क्योंकि अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं तो मैकेनिकल के लिए सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट माना जाता है तो जब आप लोग यू नो आपका जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम है और किसी भी यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट है किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं एकेडमिक्स के लिए सेमेस्टर एग्जाम के लिए तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ही है ना यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं ट्रस्ट से दो दो तीन तीन क्वेश्चंस भी आते हैं पंद्रह नंबर बीस नंबर तक का आपके सेमेस्टर एग्जाम में ट्रस्ट से पूछ लिया जाता है लेकिन जैसे मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स हैं मैकेनिकल ब्रांच जिनके पास है जब वो गेट का एग्जाम दे रहे होंगे तो गेट के अंदर ट्रस्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार दो नंबर का क्वेश्चन आता है कई बार दो 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 नंबर के दो क्वेश्चन चार नंबर के क्वेश्चन आते हैं और यदि आप इसको तो मतलब सभी तीन या चार लेक्चर इसके आएंगे ट्रस्ट के उनको आप देख लीजिएगा एकेडमिक्स में में भी में भी सेमेस्टर एग्जाम आपके अच्छे नंबर आएंगे और उसके बाद गेट जैसे एग्जाम में भी आप अच्छा परफॉर्म करके आएंगे चलो तो सबसे पहले समझेंगे ट्रस्ट होता क्या है क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम ही ट्रस्ट है कई बार पूछ लेता है कि ट्रस्ट और फ्रेम में डिफरेंस बताइए तो दोनों में डिफरेंस भी हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम चलो तो यहां पर आप देखिए आपने देखा होगा ट्रस्ट का मतलब आप समझो जरा एक बार टावर्स वगैरह आप सभी ने देख रखे हैं आप देखते हैं जो टावर्स बने रहते हैं उनमें बहुत सारे मेंबर्स को जोड़ जोड़ करके एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है तो उस स्ट्रक्चर को हम कब ट्रस बोलेंगे और कब उसको फ्रेम बोलेंगे समझने का प्रयास करते हैं ऐसे कुछ मेंबर होते हैं लाइक दिस है ना जैसे ये एक मेंबर हो गया और दूसरा मेंबर ये हो गया और ये दोनों जो है मान लो ये मेंबर वन हो गया इसको मेंबर वन बोल दीजिए एंड दिस इज मेंबर टू ये दोनों मेंबर्स जो है इस ज्वाइंट ये यहाँ पर एक ज्वाइंट बना हुआ है ध्यान रखना अभी हम जब बात करेंगे आगे तो ट्रस के अंदर जो ज्वाइंट होंगे सारे के सारे ज्वाइंट कैसे होते हैं पिन होते हैं यानी कि हिंज ज्वाइंट होते हैं ठीक है चलो देखो जरा डायग्राम में यहां अच्छा एक बात बताओ ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है यू नो बहुत सारे मेंबर्स को मिलाकर के जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उस पर क्या लगा होता है लोड है ना तो लोड को ये कैरी कर रहे होते हैं ध्यान देना ट्रस के बारे में हम पहले पढ़ेंगे उसके बाद हम बात करेंगे किसकी फ्रेम की दोनों में डिफरेंस बताएंगे क्या होता है ट्रस्ट क्या है आपका द स्ट्रक्चर बोल रहे हैं द स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ हम को कब कहेंगे व्हेन लोड्स आर अप्लाइड ऑन दी जब जो एक्सटर्नल लोड है वो कहां पर लगे होंगे ज्वाइंट्स पर लगे होंगे केवल कहां पर लगे होंगे ज्वाइंट्स पर एंड नॉट एनी अदर पॉइंट्स ऑफ द बार देखो ये बार है ये जो मेंबर है ना इसको आप बार भी कह सकते हैं जैसे एक बार दो बार तीन बार इस तरह से तो यहां पर आप देख सकते हैं लोड लगे हुए हैं देखो एक मेंबर ये हो गया यहाँ पे दिस इज द मेंबर वन मेंबर टू मेंबर थ्री मेंबर फोर फाइव सिक्स एंड सेवन तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए सेवन हो गए ज्वाइंट्स कहाँ पर हैं आप देख सकते हैं ये हो गया ज्वाइंट एक ज्वाइंट दूसरा ज्वाइंट थर्ड वन फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन तो ये सभी क्या है ज्वाइंट्स हैं तो हम इस स्ट्रक्चर को कब बोलेंगे ट्रस कि जब लोड कहां पर लगे होंगे होंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं सी पर पर एक लोड लगा लगा हुआ F1, पर लगा हुआ है है डी और कहीं पर लोड नहीं लगा हुआ है मतलब ऐसे यहां पर लोड नहीं लगाएंगे मतलब इसमें लगा कहीं और किसी भी पॉइंट पर हम लोड नहीं लगाएंगे लोड कहां पर लगे होंगे ज्वाइंट्स पर अगर लोड लगे हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा ट्रस कहलाएगा नाउ नॉट इज फ्रेम फ्रेम को देखो क्या लिखा हुआ है फ्रेम uh, किसी भी स्ट्रक्चर को हम फ्रेम कब बोलेंगे कि जब लोड्स जो लगे होंगे वो ज्वाइंट्स के अलावा कहीं और पर भी कहीं और भी लगे होंगे जहां पर देखो ये जो मेंबर ए बी ए सी मेंबर है ये आपका बी सी मेंबर है ना ये पॉइंट ज्वाइंट ए है ज्वाइंट सी है ज्वाइंट बी है तो आप इसको क्या बोल सकते हो दिस इज ए सी मेंबर एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी तो ये हो जाएगा बी सी मेंबर बोलो येस और नो तो यहां पर भी लोड लगा हुआ है इस ज्वाइंट पे और यहां पर ये यह जो मेंबर है यहाँ पर बीच में भी यहां पर एक लोड लगा हुआ है मतलब ज्वाइंट्स के अलावा अगर कहीं और भी लोड लगे होंगे तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे फ्रेम बोल देंगे तो कई बार दो नंबर में आपसे पूछ लेता है कि वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रस एंड फ्रेम आगे बढ़े नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका स्टेटिकली डिटर्मिनेट फ्रेम और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट फ्रेम कई बार इसको लिख देगा स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर सॉरी हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था डिटर्मिनेट बीम स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम डिटर्मिनेट बीम के लिए क्या करते थे आप लोग आपके पास तीन इक्वेशन होती सम ऑफ समेंटल फोर्स मस्ट इक्वल टू जीरो वर्टिकल फोर्स मस्ट इक्वल टू जीरो और तीसरी इक्वेशन होती है आपके पास कि किसी भी पॉइंट के जो सम ऑफ मोमेंट होता है इक्वल टू जीरो तो इन तीन इक्वेशन का यूज करते हुए हम बीम को सॉल्व करते थे मतलब रिएक्शन को डिटरमाइन करते थे तो इसी तरह से यहां पर भी जो ट्रस होता है यहां पर आप देखो जरा ट्रस में क्या होता है सपोर्ट्स लगी रहती है बोला नो भी हिंज सपोर्ट या रोलर सपोर्ट होती है तो वहाँ पर हमको रिएक्शंस कैलकुलेट करनी होती हैं मतलब हमको फिर क्या करना है रिएक्शंस पहले कैलकुलेट करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे उस स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर हम जो ट्रस्ट की बात कर रहे हैं उन मेंबर्स के अंदर हम फोर्स निकाल रहे होते हैं तो स्टेटिकली डिटर्मिनेट फ्रेम या याट ट्रस्ट का ट्रस uh, का मतलब है कि हम उनको सॉल्व कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ दीज थ्री इक्वेश तो वो क्या कहलाएंगे आपके स्टेटिकली डिटर्मिनेट फ्रेम्स या ट्रस कहलाएंगे इनडिटर्मिनेट का मतलब है कि जब हम उस ट्रस को सॉल्व नहीं कर सकते है ना तो इक्वेशन ऑफ स्टैटिक आर नॉट सफिशियंट टू डिटरमाइन द फोर्सेस In the अगर हम ट्रस्ट के फोर्से ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर अगर हम फोर्सेस को नहीं कैलकुलेट कर पा रहे नहीं डिटरमाइन कर पा रहे तो उनको बोला जाता है स्टेटिकली इनडिटरमेंट ट्रस्ट या फ्रेम चलो अब थोड़ा सा यहां से काम की बात स्टार्ट होती है कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है चाहे वो एक का एग्जाम हो या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग पढ़ रहे हैं है ना अगर ट्रस्ट टॉपिक आप पढ़ते हैं आपके सिलेबस में है टॉपिक ट्रस्ट तो वहां पर पूछ लिया जाता है कि बताओ टाइप्स ऑफ ट्रस्ट की बात कर रहे होते हैं हम परफेक्ट ट्रस्ट की बात करेंगे है है ना या ट्रस्ट होता एंड थर्ड वन इज रिडेंट ट्रस्ट होता है तो ये तीनों तीनों ट्रस्ट लिखने के लिए आते हैं तो वन बाय वन इसको देखते हैं ठीक है सबसे पहले हम बात करेंगे परफेक्ट ट्रस्ट की है ना किसकी बात करेंगे सबसे पहले परफेक्ट ट्रस्ट परफेक्ट ट्रस्ट का मतलब समझना क्या होता है ट्रस्ट इज सेट टू बी परफेक्ट इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स इज जस्ट सफिशियंट टू प्रिवेंट इट्स डिस्टोर्सन ऑफ द शेप एंड व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोड जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई ट्रस्ट के ऊपर तो लोड लगे रहते हैं ना बोलो जैसे टावर आप देखते हो तो वहां पर लोड अप्लाई करते हैं तो लोड को कैरी करता है ट्रस तो जब हम किसी ट्रस के ऊपर लोड को अप्लाई करते हैं तो ट्रस की जो शेप है स्ट्रक्चर की जो शेप है वो डिस्टॉर्ट नहीं होनी चाहिए है ना अगर ऐसा है तो वो क्या कहलाएगा आपका परफेक्ट ट्रस्ट कहलाएगा तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं जैसे आप देखो ये मेंबर वन है दिस इज मेंबर टू एंड दिस इज मेंबर थ्री और यहाँ पर ज्वाइंट हैं एक ज्वाइंट ये हो गया दूसरा ज्वाइंट ये हो गया और तीसरा ज्वाइंट ये हो गया तो यहां पर क्या होता है कि परफेक्ट ट्रस ट्रस ये तीन है ना इसमें एक रिलेशन भी होता है को रिलेशन होता है नंबर ऑफ में और नंबर ऑफ मेंबर्स में क्या इक्वेशन होती है वो देखो लिखा भी है यहां कि फॉर अ परफेक्ट ट्रस या परफेक्ट फ्रेम द फॉलोइंग को रिलेशन एक्सिस्ट बिटवीन द नंबर ऑफ ज्वाइंट जे एंड द नंबर ऑफ मेंबर्स एम क्या है वो रिलेशन दैट इज एम इक्वल टू 2j 3 मतलब ये जो रिलेशन है m m क्या है यहाँ पे m क्या है नंबर ऑफ मेंबर्स और j क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ ज्वाइंट्स अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है मतलब m जो है वो 2j 3 के अगर बराबर है तो वो क्या कौन सा ट्रस कहलाएगा वो कहलाएगा आपका परफेक्ट ट्रस कौन सा कहलाएगा परफेक्ट ट्रस देखो जरा ये एग्जांपल है परफेक्ट ट्रस का इसको देखो जरा एक बार इसमें अप्लाई करो ये इक्वेशन यहां पर नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं 1 2 3 तो यहां पर हो जाएंगे नंबर ऑफ मेंबर्स 3 नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं 1 2 3 तो नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हैं यहां पर 3 ओके अब देखो जरा यहां पर लेफ्ट हैंड साइड m दैट इज इक्वल टू 3 बोलो यस और नो और यहां पर हो गया लेफ्ट हैंड साइड और बताओ राइट हैंड साइड कितनी हो जाएगी 2j 3 2j 3 टू इंटू जे नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हैं थ्री और माइनस के थ्री तो कितना हो जाएगा टू थ्री सिक्स माइनस के थ्री दैट इज इक्वल टू थ्री मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है इसका मतलब ये जो ट्रस्ट बना हुआ है दिस इज द परफेक्ट ट्रस्ट क्या बोलेंगे इसको हम लोग परफेक्ट ट्रस्ट बोल सकते हैं ये और एग्जाम्पल आप देख लीजिए यहां पर नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं वन टू थ्री फाइव सिक्स एंड सेवन तो और ज्वाइंट कितने हैं यहां लिख देते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स हो में सेवन व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ ज्वाइंट फोर फाइव ठीक है तो नंबर ऑफ ज्वाइंट हो गए यहां पे फाइव तो देखते हैं यहां पर एम इज इक्वल टू टू जे माइनस थ्री ये क्वेश्चन सेटिस्फाई होगी क्या नंबर ऑफ एम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं सेवन क्वल टू टू नंबर ऑफ जे नंबर ऑफ ज्वाइंट फाइव माइनस के थ्री हो गया सेवन इक्वल टू टेन माइनस के थ्री टू सेवन तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ टू टू जे माइनस थ्री ये कोरिलेशन जो एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ट्रस बना हुआ है दैट इज ऑल्सो परफेक्ट ट्रस ये भी परफेक्ट ट्रस का एग्जाम्पल है ये भी परफेक्ट ट्रस का एग्जाम्पल है बात समझ में आ गई आपको चलिए तो ये कंडीशन हमको याद रखनी है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आता है आपका इम्परफेक्ट और डेफिशियंट ट्रस्ट इम्परफेक्ट का मतलब है कि जब नंबर ऑफ मेंबर्स क्या हो जाते हैं कम रह जाते हैं है ना आपको यहाँ क्वेश्चन लिखकर दिखाता हूं ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी यहां पर तो लेफ्ट हैंड साइड है नंबर ऑफ जो मेंबर्स हैं वो टू जे माइनस थ्री से क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे देखो जरा क्या लिखा हुआ है और ट्रस्ट इज सेट टू बी इम्परफेक्ट और डेफिशियंट इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स In it, less than that for जितने of क्या हो जाएगा नंबर ऑफ में संख्या कम हो जाती है. मतलब है लग रही होती है इसके अंदर अगर ऐसी इक्वेशन अगर कोई ट्रस्ट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब वो इम परफेक्ट ट्रस्ट है नंबर ऑफ में कम है लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर लेस लेफ्ट लेस देन राइट हैंड साइड तो एक बार देख लो जरा इसका एग्जाम्पल है इम्परफेक्टर का तो पहले आप मेंबर काउंट करो वन टू थ्री एग्जाम में आपको एग्जाम्पल डायग्राम से समझाना है एंड एट तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए यहां पे नंबर ऑफ मेंबर्स हो गए एट नंबर ऑफ ज्वाइंट देख लो जरा कितने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो नंबर ऑफ ज्वाइंट हो गए यहां पर सिक्स बोलो यस और नो तो देखो एम इज इक्वल टू कितना होता कित माइनस थ्री है ना या ऐसे देखो इसको ऐसा लिखो कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी दैट इज है ना दैट इज इक्वल टू एट राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें राइट हैंड साइड कितनी होती है टू जे माइनस थ्री तो बताओ ये कितना हो जाएगा टू इंटू जे नंबर ऑफ ज्वाइंट सिक्स माइनस के थ्री तो कितना हो गया ये बारह

तो ट्रस्ट रुकेगा ही नहीं ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा यानी इसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी जबकि ट्रस की जो शेप है वो चेंज नहीं होनी चाहिए परफेक्ट ट्रस होना चाहिए आपका कौन सा होना चाहिए ऐसा ट्रस होना चाहिए परफेक्ट ट्रस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए चलो नेक्स्ट आता है आपका रिडेंडेंट ट्रस रिडंड ट्रस का मतलब है कि उसके अंदर कुछ मेंबर्स एक्स्ट्रा हो रहे होंगे उसके अंदर कुछ अभी देखो इसमें क्या था आपके सफिशियंट नंबर फर्स्ट वाले में जो परफेक्ट ट्रस्ट था इसमें सफिशियंट नंबर ऑफ ट्रस्ट होते हैं सॉरी सफिशियंट नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं कि जो जब हम इस, इसके ऊपर लोड अप्लाई करें ट्रस्ट के तो वो डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए यानी कि उसकी शेप चेंज नहीं होनी चाहिए इसमें क्या हुआ दूसरे वाले में इम्परफेक्ट uh, में नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो गए और थर्ड वाले में नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा हो जाएंगे मतलब M जो होगा नंबर ऑफ मेंबर्स दैट विल बी ग्रेटर देन टू जे माइनस थ्री लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से ग्रेटर देन हो जाएगी अ ट्रस्ट इज सेड टू बी रिडंडेंट इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स इन इट इज मोर देन द रिक्वायर्ड फॉर द परफेक्ट ट्रस ठीक है चलो <coughs> तो एक बार देख लेते हैं एग्जाम्पल में नंबर काउंट कर लेते हैं मेंबर्स के वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व तो नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पे हो गए एम की वैल्यू हो गई ट्वेल्व नाउ व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ ज्वाइंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये ज्वाइंट नहीं है ना ये तो दो मेंबर क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर ये ज्वाइंट नहीं है तो कितने हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नंबर ऑफ हो गए यहां पर सेवन अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू एम कितना है 12 है वॉट अबाउट द राइट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू टू जे माइनस के थ्री टू जे माइनस थ्री कितना है टू इंटू जे कितना है सेवन माइनस थ्री तो कितना हो गया फोर्टीन माइनस थ्री दैट इज इलेवन तो इस बार देखो आप यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड कितनी है बारह के बराबर है राइट हैंड साइड ग्यारह के बराबर है तो ये देखो यहाँ पर मेंबर्स जो है ना वो ज्यादा हो गए मतलब कुछ हैं इसमें परफेक्ट बनाने के लिए इसमें से member घटाना पड़ेगा हमको बोलो सार नो तो नंबर ऑफ मेंबर्स अगर कम है तो वो इम्परफेक्ट है नंबर ऑफ मेंबर्स अगर ज्यादा है रिडेंडेंट ट्रस कहलाएगा क्या कहलाएगा रिडेंडेंट ट्रस कहलाएगा तो तीनों के एग्जाम्पल देकर मैंने आपको बता दिए हैं नेक्स्ट आगे चलते हैं एनालिसिस ऑफ अ ट्रस्ट एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट का मतलब है को हमने सॉल्व करना है ट्रस्ट के अंदर जो मेंबर्स हैं ट्रस्ट के अंदर जो मेंबर्स हैं उनमें हमको फोर्स कैलकुलेट करने होते हैं क्वेश्चन कैसा आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में कि आपको एक ट्रस्ट दे देगा है ना देखो जहां पर मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है यहां पर एक क्वेश्चन मैं लूंगा और सॉल्व करूंगा इसको भी इसके आगे चलेंगे ये तो बेसिक समझाऊंगा पहले यहां से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे क्वेश्चन नंबर वन ऐसा करके कोई ट्रस्ट देगा आपको उसमें तीन मेंबर चार मेंबर पांच दस दस मेंबर भी होंगे तो पूरा ट्रस्ट को जो है हम सॉल्व करेंगे तो ट्रस्ट को सॉल्व करने का मतलब है कि ये ये जो मेंबर्स 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 हैं हैं जैसे ये तीन दे रखे इन फो, इन मेंबर्स के अंदर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है और उनका नेचर कैसा है मतलब वो टेंसाइल नेचर के हैं या कंप्रेसिव नेचर के हैं वो सारी चीजें हम आज सीख लेंगे इसी लेक्चर के अंदर बहुत सिंपल टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक है ठीक है ना स्कोरिंग टॉपिक है चलो जब हम ट्रस्ट को सॉल्व करेंगे तो कुछ एजन हम लेकर के चलते हैं और कई बार तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है दो नंबर में कि राइट डाउन द एजम्स ऑफ ट्रस्ट कि जब ट्रस्ट को हम सॉल्व करते हैं तो कौन कौन से एजम्स हम लेकर के चलते हैं है ना तो वो एजम्पन आपको याद होने चाहिए पहला एजम्सन है है ना एजम्स की बात हो रही है किसकी बात हो रही है एजम्स की बात हो रही है तो ध्यान रखना कौन कौन से हैं लिखने के लिए आते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट मतलब, कैसा होना चाहिए परफेक्ट ट्रस्ट होना चाहिए परफेक्ट ट्रस्ट की कंडीशन क्या बताई थी मैंने आपको अभी कि इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करना चाहिए एम इज इक्वल टू टू जे माइनस थ्री इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट ट्रस्ट मैंने बोला आपको कि स्टैटिकली डिटरमिनेट होना चाहिए स्टैटिकली डिटरमिनेट का मतलब है कि वो सॉल्व कर लें हम उसको जो हमारे पास स्टैटिक हैं उनका यूज करते हुए हम रिएक्शन कैलकुलेट कर लें और जितने भी फोर्सेस हैं जितने भी मेंबर्स हैं ट्रस्ट के अंदर उनके अंदर हम फोर्स को डिटरमाइन कर लें है ना दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिकली तो आपके पास जो ट्रस्ट होगा वो कैसा होगा परफेक्ट होगा दूसरा स्टैटिकली डिटर्मिनेट होगा नेक्स्ट जो एज्सन है ऑल दी मेंबर्स यू नो ट्रस्ट के जितने मेंबर्स होंगे आर रिजिड होने चाहिए रिजिड होने चाहिए और सेम प्लेन के अंदर होने चाहिए रिजिड होने चाहिए मतलब वो डिफॉर्म ना हो उनकी शेप चेंज ना हो बोलो यस और नो और एक प्लेन में होने चाहिए है ना एक प्लेन में होने चाहिए कॉमन प्लेन होना चाहिए उनका द मेंबर्स आर सिलेंडर्स एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन उनका जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा होना चाहिए यूनिफॉर्म होना चाहिए मतलब Uh, उनका जो जैसे मान लीजिए ये है अगर इसकी जो लेंथ 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 है है इस, इस की जो इसका जो इसका एक तो हो तो हो गई थ्रू आउट दी लेंथ इसका इसका जो इसका जो क्रॉस सेक्शन है डायमीटर है वो कैसा रहना चाहिए कांस्टेंट रहना चाहिए तो इसके अंदर जो भी मेंबर्स होंगे उनका क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होगा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन उनका होना चाहिए नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सटर्नल लोड्स एंड रिएक्शंस एक्ट एट द्वाइंट्स ओनली मैंने आपको बताया था अभी जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार फिर से मतलब जो लोड है वो ज्वाइंट पर, पर लगने चाहिए ऐसा नहीं कि यहाँ पर लगा दिए देखो ये एक मेंबर है ए सी यहाँ बीच में भी लोड लगा हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए दैट इज ऑल्सो दम्सन ऑफ ट्रस है ना जितने भी लोड्स होंगे एक्सटर्नल लोड्स एक्सटर्नल लोड्स एंड रिएक्शन एक्ट एट द्वाइंट ओनली नेक्स्ट जो है सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर्स मेंबर का जो सेल्फ वेट है अलग अलग मेंबर का जो सेल्फ वेट है वो नेग्लेजिबल है करके चलते हैं उसको हम लोग अब जितने भी ज्वाइंट होंगे वो सब के सब कैसे होंगे पिन ज्वाइंट होंगे जिसको हम आप आप इसको ये भी लिख सकते हो हिंज ज्वाइंट है ना हिंज ऑल द द्वाइंट्स आर स्मूथ स्मूथ का मतलब होता है कि फ्रिक्शनलेस जैसे यहां पर ये दो मेंबर हैं इन पे पिन लगी हुई है पिन से इनको जोड़ा हुआ है तो यहां पर जो फ्रिक्शन है वो नहीं होना चाहिए हम मान करके चलते हैं वो कैसे हैं है। कैसे हैं फ्रिक्शन लेस आर सम दीज है ना जो आपको एग्जाम में अलग से लिखने के लिए भी आते हैं कई बार नाउ नो ऑफ इसको जो सॉल्व करने के मैथड्स हैं सॉल्व मैथ किसको ट्रस्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं उन उनके अंदर हमको फोर्स निकालने होते हैं उनका नेचर बताना होता है तो उसको सॉल्व करने के कई मेथड्स हो सकते हैं जैसे मेथड ऑफ ज्वाइंट मेथड ऑफ सेक्शंस एंड ग्राफिकल मेथड तो ग्राफिकल मेथड नहीं पढ़ेंगे दैट नॉट इन तो मेथड ऑफ ज्वाइंट पहले हम बात करेंगे ट्रीट करेंगे चिंता मत करो जो लिखा हुआ है सब अभी आपको समझ में आएगा एक एक स्टेप करके हम दिखाने वाले हैं ठीक है नाउ हर एक ज्वाइंट को सेपरेटली हम ट्रीट करेंगे फ्री डायग्राम की तरह और उसके अंदर हम ये दो मतलब इक्वेशन वो भी जीरो होगा अब इन दोनों इक्वेश को हम हर एक ट्रस्ट में अप्लाई करेंगे तो चिंता मत करो नेक्स्ट आता है आपका द स्टेप्स इन्वॉल्व उसको सॉल्व करने के जो आ, मतलब स्टेप्स हैं कई बार तो एग्जाम में पूछ लेता है व्हाट आर द्विच आर यूज्ड टू सॉल्व द तो 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 ये ये कुछ हैं। हैं। अब आप आप रटो मत, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपको अभी जब हम हम करेंगे, करेंगे, तो इन सभी steps को को तो अपने ही वो याद हो जाएंगे। जैसे एक बार बस ऐसी थोड़ा आपको मैं थोड़ा मैं सा बता देता कि कि ध्यान रखना कि ऐसे, ऐसे हम problem को solve करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? और उसमें अप्लाई करेंगे हर एक, हर एक ठीक है और यू नो ईच ज्वाइंट इज ट्रीटेड सेपरेटली एज ए फ्री वॉइड डायग्राम अब हमको जो है अब मान लो तीन ज्वाइंट है चार ज्वाइंट है पांच ज्वाइंट है अलग अलग मेंबर्स में फोर्स निकालने है. अब कौन से पॉइंट को कौन से ज्वाइंट को हम पहले कंसिडर करें तो सबसे पहले उस ज्वाइंट को कंसिडर करना है सबसे पहले उस ज्वाइंट को कंसिडर करना है जिस पर मैक्सिमम दो अननोन हो मतलब या तो एक अननोन फोर्स होगा या दो अननोन फोर्स होंगे ऐसे को हम पहले करेंगे दो से ज्यादा अगर अननोन हैं किसी पर तो उसको हमने नहीं करना है और धीरे धीरे हम हर एक को करते चले जाएंगे और हम जब तक कंसिडर करते रहेंगे जब तक सभी मेंबर्स के अंदर फोर्स ना निकल जाए ठीक है चलो अब ये स्टेप्स मैंने बोला ना आपको ये अपने आप याद हो जाएंगे अपने आप याद हो जाएंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे नाउ द फॉलोइंग प्रिंसिपल हेल्प टू आइडेंटिफाई द मेंबर्स नॉट सब्जेक्ट टू एनी फोर्स वेन द ट्रस्ट इज लोडेड जब कोई ट्रस्ट आपको दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर तो कुछ मेंबर्स ऐसे भी हो सकते हैं कि उनके अंदर फोर्स जीरो होगा तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे थोड़ा सा माइंड में इसको डाल लीजिएगा देखो पहला जो केस है व्हेन टू मेंबर्स मीटिंग एट ए ज्वाइंट जब दो मेंबर्स किसी एक ज्वाइंट पर मिल रहे होंगे अगर वो क्या है नॉट कुलर अगर वो कुलीनियर नहीं है देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग एट द्वार पर कोई external force भी लगा हुआ नहीं है, जीरो the दोनों members के अंदर फोर्स कितना होगा जीरो होगा यहां पर बना करके दिखाऊंगा तब आपको फील आएगा मान लो एक मेंबर ये है एक मेंबर ये है और दूसरा मेंबर ये है क्या बोला क्वेश्चन के अंदर कि भाई दो मेंबर हैं। दो मेंबर हैं और दोनों नहीं है, दोनों नहीं दोनों का मतलब है है ऐसे बनता दोनों action, अगर एक ही होता तोर तो, उसको हम बोलते है तो ये नहीं, है। ही नहीं है तो वही बोला नहीं कि दो नहीं है और इनके ज्वाइंट पर कोई लोड लगा हुआ नहीं है ज्वाइंट कहां पर है ये इनका ज्वाइंट है बोलो ये सौर और यहां पर कोई लोड लगा हुआ नहीं है तो कहने का मतलब यह है कि अगर यहां पर फोर्स एफ वन है, है ये B है और ये सी है तो दो मेंबर B मेंबर B मेंबर मेंबर हैं में फोर्स F1 है और बीसी फोर्स में फोर्स मेंबर में जो फोर्स है वो है एफ टू तो एफ वन की वैल्यू भी जीरो होगी और एफ टू की वैल्यू भी जीरो तो बात समझ में आ रही है अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर भी समझाऊंगा ट्रस्ट का पहला पॉइंट ये है अगर दो फोर्स हैं दो मेंबर हैं कैसे कितने मेंबर हैं केवल दो मेंबर हैं और दोनों नहीं है उनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है एक भी नहीं लगा हुआ है। के अंदर फोर्स कितना होगा जीरो होगा इसको देखो अब हम जब आगे लिखेंगे तो कई बुक में क्या होता है वो एफ वन लिखेगा इस मेंबर के अंदर एफ टू लिखेगा एफ थ्री एफ फोर एफ फाइव एफ सिक्स या कई बार जैसे हम क्या लिख सकते हैं ये कौन सा मेंबर है

और दूसरा मेंबर भी यहां पर कुलीनियर है मतलब इसके साथ यहां पर ये यह ज्वाइंट है बोलो ये मान नो ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट आपका सी है तो दो मेंबर हो गए यहां पे इसके अंदर कितना फोर्स हो जाएगा एफ ए बी ये फोर्स कितना हो जाएगा एफ बी सी लेकिन बात हो रही है यहां पर तीन तीन मेंबर्स की जिसमें से दो क्या है कुलनियर है तो इसका मतलब ये है कि तीन मेंबर्स हैं, उनमें से दो कोलिनियर हैं और तीसरा जो मेंबर है वो कोलिनियर नहीं है वो कुछ ऐसे है और इस पॉइंट को आप बोल सकते हो डी तो यहां पर कितना फोर्स हो जाएगा एफ बी डी एफ बी डी अब देखो जरा क्या कह रहा है इसके अंदर वेन थ्री मेंबर्स आर मीटिंग एट एन अनलोडेड ज्वाइंट यहां पर ज्वाइंट बना हुआ है और इस पर कोई एक्सटर्नल लोड नहीं है अनलोडेड है कैसा है अनलोडेड है और इन तीन मेंबर्स में से दो मेंबर्स कुलिनियर्स हैं, तो कह रहा है कि जो थर्ड वाला मेंबर होगा उसमें फोर्स जीरो होगा उसमें फोर्स जीरो होगा तो ये जो आप फोर्स देख रहे हैं इस मेंबर के अंदर थर्ड वाले मेंबर में जीरो होगा बात समझ में आ गई दो तीन मेंबर्स हैं, तीनों एक ज्वाइंट पर मिल रहे हैं ज्वाइंट अनलोड है अनलोडेड है तो दो कुलियर फोर्सेस को छोड़ दीजिए बाकी जो ये वाला आपका थर्ड वाला मेंबर है इसमें फोर्स कितना हो जाएगा जीरो जैसे यहां पर कि ये बात आपको समझ आ गई होगी एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया है इन दोनों पॉइंट को और थोड़ा सा क्लियर करने के लिए आ जाओ यहां पर आप देखो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो है ना आपको आइडेंटिफाई करना है आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे कौन से मेंबर हैं यहां पे जिनमें फोर्स जीरो है तो पहले आप इस ज्वाइंट को जरा कंसिडर करो ज्वाइंट डी को कंसिडर करो इस ज्वाइंट को जब आप कंसिडर करोगे तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि कितने मेंबर्स जुड़ रहे हैं यहाँ पर meet कर रहे हैं यहां पर मीट कर हैं तीन एक ये वाला मेंबर हो गया दूसरा मेंबर ये हो गया और तीसरा मेंबर ये हो गया तो दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था यहां पर कि भाई अगर किसी ज्वाइंट पर तीन मेंबर्स हैं किसी ज्वाइंट पर तीन मेंबर्स मिल रहे हैं और उनमें से दो कुलीनियर हैं तो थर्ड वाले मेंबर में फोर्स कितना होगा जीरो होगा इसका मतलब एक मेंबर हो गया ए डी दूसरा हो गया डी एफ और एक हो गया सी डी तो ये जो एफ सी डी है क्या एफ सी डी में फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी बोलो यस और नो अब इस को जरा कंसिडर करो यहां पे तो ये देखो एक दो तीन तीन मेंबर हैं इस ज्वाइंट पर मिल रहे हैं एक्सटर्नल लोड भी नहीं लगा हुआ है इसका मतलब ये जो मेंबर है आपका दो तो हो गए गया कुलीनियर सीई e, और ई जी तो इसका मतलब इसमें फोर्स कितना हो जाएगा ये जो मेंबर है ई एफ तो मेंबर ईएफ के अंदर एफ ई एफ ई एफ को जरा देखो यहां भी तीन, तीन से joint, आ, मिल रहे हैं एक इस पर और दो इसमें से कुल नहीं रहे और ये जो थर्ड वाला मेंबर है इसमें फोर्स कितना हो जाएगा जीरो तो ये हो गया जी एच तो एफ जी एच एफ जी एच इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई अगर किसी ज्वाइंट पर तीन मेंबर्स एक साथ जुड़ रहे हैं मिल रहे हैं और दो उसमें से उनमें से कुलिनियर है तो थर्ड वाले में कितना होगा? जीरो होगा। एडी और डीई तो ये कुलीनियर है तो थर्ड वाले मेंबर में फोर्स कितना हो जाएगा जीरो तो एफ थ्री की वैल्यू कितनी होगी जीरो अच्छा जब अब ज्वाइंट सी को जरा कंसिडर करो क्योंकि जो मेंबर आपका सी डी है ना ये जो मेंबर आपका सी डी है F, C, D, इसमें तो फोर्स कितना हो गया जीरो तो अब कितने बच गया हाँ? पर बच गया एक तरह से देखा जाए तो एक सी ए एक बी सी और है, इसका मतलब एफ फोर में फोर्स कितना हो जाएगा और ये जो मेंबर ए सी है ना ए सी मेंबर में एफ ए सी कितना हो जाएगा जीरो के बराबर हो जाएगा बोलो ये और नौ आर गेटिंग माई पॉइंट तो आप चाहो तो इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो है ना मेरे को कई बार शिकायत करते हैं स्टूडेंट्स कि सर आप जो है बोर्ड के आगे से हटते नहीं हो ना तो हम स्क्रीन ले पाते हैं और ना ही हम नोट कर पाते हैं तो मैं ध्यान रखूंगा इस ध्यान रखूंगा इस बात का है ना तो बीच बीच में आपको आप स्क्रीन लेना चाहो तो स्क्रीन ले सकते हो और इसको समझ सकते हो चलो आगे बढ़े नेक्स्ट और वीडियो को पॉज करके आप जो है नोट्स भी अपने साथ साथ बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं समझने होते हैं आपको जो है नोट्स बनाने बनाते रहना चाहिए मेरे ख्याल से तो ठीक है ना स्क्रीन शॉट वगैरह तो क्या ही होगा कब तक उसको जो है संभाल के रखोगे तो अपने नोट्स बना के चलना अब मैं तो कहूंगा कि अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं आपके ये वीडियो को बीच बीच में पॉज करना नोट्स बनाना तब वीडियो को प्ले करके आगे बढ़ना क्योंकि आपको सीखना है आपको समझना है ना आपको फॉर्मेलिटी नहीं करनी है कि भाई यू नो लेक्चर देखकर खत्म कर देना है दैट इज नॉट योर पर्पज है ना आपका पर्पज है कि डायग्राम बनाने आने चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको आना चाहिए चलो तो अब जो कहानी स्टार्ट होगी क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमको है ना चलो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा आ, कि किस तरह से हम ट्रस्ट को सॉल्व करते हैं ठीक है फिर तो उसके बाद आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं सारे कॉन्सेप्ट इसी के अंदर हो जाएंगे जो कॉन्सेप्ट मैं इस क्वेश्चन के अंदर समझाऊंगा वही कॉन्सेप्ट आपको बार बार रिपीट करने हैं इसलिए इसको बहुत अच्छे समझ लो उसके बाद कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द फोर्स

ए सी मेंबर है एंड बी सी मेंबर है ठीक है अच्छा आपको ये भी कंफ्यूजन नहीं होना है ए बी को आप बी ए में भी कह सकते हो ए सी को आप सी ए कह सकते हो बीसी को आप सी बी में कह सकते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बात ठीक है इतनी यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब क्योंकि यहां पर हिंज सपोर्ट है और यहां पर एक रोलर सपोर्ट है तो आप सभी जानते हैं जहां पर सपोर्ट्स होती हैं तो वहां पर रिएक्शन आती हैं तो पहले हमको रिएक्शन कैलकुलेट करनी पड़ती हैं अब रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में ठीक है ना जब हमने एस एफ डी बी बनाया था तब हमने रिएक्शन निकाली थी उसके पहले अलग से भी हम रिएक्शन निकालना सीख चुके हैं ठीक है चलो तो पहले हम यहां पर रिएक्शन को कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे रिएक्शन को कैलकुलेट करेंगे तो कितनी रिएक्शन आएंगी यहां पर कितनी रिएक्शन आएंगी मैं ग्रीन कलर से यहाँ पर रिएक्शन को दिखा रहा हूँ कितनी रिएक्शन आएंगी तो दो रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर क्योंकि कोई हॉरिजेंटल फोर्स है नहीं यहाँ पर कोई हॉरिजेंटल फोर्स नहीं है केवल वर्टिकल लोड लगा हुआ है

यानी कि जो रिएक्शन आएगी आर ए आएगी ये पॉइंट बी है तो रिएक्शन कितनी हो जाएगी आर बी वर्टिकल डायरेक्शन में तो सबसे पहला काम है हमारा आर ए को कैलकुलेट करना आर बी को कैलकुलेट करना उसके बाद हम जितने भी मेंबर्स हैं ट्रस्ट के उनमें फोर्स कैलकुलेट करेंगे चलें चलो तो इसको कैसे करना है हमको हमारे पास है कि हमने क्या करेंगे ज्वाइंट ए जो है पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिखेंगे पॉइंट के अबाउट लिखेंगे मोमेंट दैट विल बी

हमको टोटल डिस्टेंस पता है कहां से कहां तक की ए से बी तक की लेकिन हमको ये डिस्टेंस भी चाहिए दिस वन तो ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी पहले हमको चलो तो ए से बी तक की डिस्टेंस तो कितनी है फाइव मीटर है अब आप मुझे एक बात बताना ये क्योंकि बार बार यूज होने वाला है आपको पता होगी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेकिन जिनको नहीं पता है वो एक बार समझ लें इस चीज को ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बार बार हर एक ट्रस्ट के अंदर यही चीजें यूज होते हैं बहुत बेसिक चीज है मान लो ये अब देखो यहां पर ये ट्रायंगल बना हुआ है इसको बोलते हैं राइट एंगल ये एंगल कितना है तो राइट एंगल बनता है आपका। अब ये जो राइट एंगल होता है, इसके सामने क्या होता है? क्या बोलते है उसको हाइपोटेनियस अब मान लो ये एंगल कितना है आपका थीटा है दिस एंगल इज थीटा समझो ध्यान से दिस एंगल इज थीटा दिस एंगल इज 90 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनियस अगर ये एंगल थीटा है ना ये एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा इसके सामने परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा बेस बोलो ये, आपका है, ये, है, ये, C, ये कुछ भी हो सकता है कितना होता है साइन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये है एंगल थीटा इसके सामने क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर कितना है ए बी क्या लिख सकते हो इसको आप ए बी अपॉन

बोलो तो ये ये तो बेसिक सी चीज है मैंने आपको रिकॉल कराई है याद कराई है आपको ये चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए थी और पता होंगी आपको बहुत ही एक सेकेंड वापिस क्यों आया भाई जब हमने रिमूव कर दिया जब हमने रफ कर दिया तो वापस आने की क्या जरूरत है हुँ? इसको भी हटा देते हैं नौ चलो अब इस डायग्राम को देखो जरा

पहले क्वेश्चन को बहुत आराम से करवाता हूं मेरा ये तरीका है काम करवाने का पहला क्वेश्चन बहुत आराम से कराऊंगा हर एक छोटी से छोटी चीज आपको बताऊंगा उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उनको बहुत फास्ट मोड में करेंगे एक बार दिमाग में घुस लो चीजें मैं कैसे समझा रहा हूं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा यहां पर ये राइट एंगल ट्रैंगल है तो अभी जो मैंने कहानी बताई थी आपको है ना तो ये एंगल कितना है सिक्सटी डिग्री 60 डिग्री है बोलो यस और नो ये, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये इसका बेस हो जाएगा तो मुझे एक बात बताना कि यहां पर अगर मैं कॉस सिक्सटी लिखना चाहूं है ना देखो यहां लिख रहा हूं मैं पहले अभी मैं मोमेंट लूंगा बाद में पहले मैं डायमेंशन निकाल लेता हूं कॉस सिक्सटी बताओ कितना हो जाएगा कॉस सिक्सटी ये एंगल है सिक्सटी डिग्री तो कॉस सिक्सटी कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो ये है बेस और ये है हाइपोटेनियस बोलो यस और नो तो आप लिख सकते हो ए सी अपॉन ए बी बोलो यस और नो या फिर आप लिख सकते हो ए सी इज इक्वल टू ए बीस सिक्स अरे यस और नो तो यहां से आपको ए सी की वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको फाइव ए बी की वैल्यू फाइव मीटर है और कॉस्ट सिक्सटी की वैल्यू कितनी होती है 1 by 2. अगर नहीं पता है तो कैलसी आपके हाथ में होना चाहिए तो यहां से आपको एसी की वैल्यू मिल जाएगी कितनी टू पॉइंट फाइव मीटर बोलो यस और नो तो यहां पर ए बी की जो वैल्यू है ये जो मेंबर है इसकी वैल्यू कितनी मिल गई आपको 2.5 मीटर लेकिन हमको चाहिए क्या हमको तो एक काम करो जरा एक काम करो क्योंकि जब मोमेंट लेंगे तो हमको ये डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी कौन सी डायमेंशन की कि यहां से आप एक काम करो परपेंडिकुलर डाल दो डाल दिया परपेंडिकुलर तो आपको कौन सी डायमेंशन चाहिए हमको तो ये डायमेंशन चाहिए सर कि ए ये ए था बी था सी था इसको बोल दो डी हमको तो ए डी चाहिए क्योंकि हमको मोमेंट लेना थर्टी किलोमीटर का तो ये डायमेंशन हमको पता लग जाएगी कौन से वाली ये जो डायमेंशन है ये डायमेंशन मेरे को चाहिए ए ए, से लेकर के डी तक ये डायमेंशन मुझे पता लगाओ कितनी है तो देखो अब एक राइट नया राइट एंगल ट्रैंगल बन गया आपका एक नया राइट एंगल ट्राइंगल बन गया अभी हमने ट्रेंगल यूज किया था कौन सा अभी हमने राइट एंगल ट्राएंगल यूज किया था ए बी सी अब मैं दूसरा ट्रेंगल यूज करूंगा राइट एंगल ट्रेंगल कौन सा ए सी डी देखो ये एंगल कितना है 90 तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस बोलो ये सॉर नो और ये एंगल कितना है 60 डिग्री तो हम इसमें फिर से कॉस 60 लगा देंगे लेकिन इस बार इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा ये ए सी और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा इसका बेस बोलो ये नो चलो तो ट्रेंगल लेंगे हम कौन सा इस बार ट्रेंगल ए सी डी बताओ कॉस सिक्सटी कितना हो जाएगा बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं लेकिन यही तो गलतियां होती हैं आप लोगों से यही बेसिक चीजें हैं तो बेसिक कोई हमने रिकॉल करा रहा हूं एक तरह से सब कुछ आता है आपको ये तो ये एंगल 60 है तो बताओ कॉस कितना हो जाएगा बेस कितना है? AD. और कितना है 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 और हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं एडी की वैल्यू मिल जाएगी यहां से हमको दैट इज इक्वल टू ए सी कॉस सिक्सटी मैं बाद में डायरेक्ट करूंगा ये सारी पूरी अलग अलग नहीं दिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम से तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा एडी की वैल्यू मिल जाएगी बताओ ए डी कितना हो जाएगा ए सी की वैल्यू कितनी है अभी हमने कैलकुलेट करी थी दैट इज टू पॉइंट फाइव मीटर और कॉस्ट सिक्सटी बताइए आपको कितना होता है 1 by 2. तो यहां से आपको ए डी की वैल्यू मिल जाएगी वन पॉइंट टू फाइव मीटर बोलो यस और नो तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपको मिल चुकी है कितनी है मीटर से डी तक की अब मैं एक काम कर रहा हूँ ये आपने बना रखा है ये बना लिया होगा आपने डायग्राम अब ये भी आपने नोट कर लिया होगा कि हमको ए सी की वैल्यू मिल गई है टू पॉइंट फाइव हमको ए डी की वैल्यू मिल गई है मीटर बोलो यस और नो अब मैं इसको रफ कर रहा हूं लेकिन आपको लिखे रहने देना है इसको है ना आप नोट कर लेना इसको इसको वीडियो को पॉज करते करते रहना इसको नोट करते रहना नोट क्योंकि मैं अगली स्लाइड जाऊंगा बिना बात के टाइम खर्च होगा और आपको सीखना है तो नोट करना है आपको ठीक है ना इतना नोट कर लिया आपने वीडियो को पॉज करके अब आगे आ जाओ अब मैं लिखूंगा यहां पर मोमेंट पॉइंट ए के अबाउट यहां पर लिखूंगा मोमेंट पॉइंट ए के अबाउट है ना ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं कई बार पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लिखना बहुत आसान है

प्लस क्योंकि क्लॉकवाइज है कितना हो जाएगा प्लस में और कितना है इसका मैग्नेट कितना थर्टी तो ये हो जाएगा आपका थर्टी इन टू प्लस होगा और डिस्टेंस कितनी है कि ये है इसका कि है इसका लाइन ऑफ एक्शन और पॉइंट ए तक की डिस्टेंस कितनी हमने कैलकुलेट करी थी अभी point, point तो फोर्स इंटू परुलर डिस्टेंस यही तो करते हैं हम लोग अरे फोर्स कितना हो गया थर्टी किलोमीटर डिस्टेंस कितनी होगी वन पॉइंट टू फाइव ओके

वर्टिकल फोर्सेस का जो एल्जेब्रिक सम है वो जीरो होना चाहिए ऊपर की तरफ जो फोर्स होते हैं वो प्लस तो आर ए ऊपर की तरफ है आरबी ऊपर की तरफ है दोनों प्लस और माइनस नीचे की तरफ कितने लग लग रहे हैं केवल एक ही फोर्स रहा है 30 की वैल्यू सेवन पॉइंट फाइव आ चुकी है तो यहां से आर ए की वैल्यू मिल जाएगी हमको एंड दैट विल बी इक्वल टू कितनी हो जाएगी थर्टी में से माइनस कर दो इसको थर्टी में से माइनस कर दो तो ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव आर ए की वैल्यू आ जाएगी ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव किलो न्यूटन यहां लिख देते हैं ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव किलो न्यूटन अब मैं इसको रफ कर देता हूं आप नोट कर लो इसको इतना जितना मैं कराता जा रहा हूं उसको नोट करते जाओ ये नोट कर लिया आपने कॉलेज में भी तो ऐसे करते हो है ना कॉलेज वाला फील आएगा आपको एकदम जबरदस्त तो ये नोट कर लिया आपने अभी तक हमने ट्रस्ट के रिगार्डिंग ऐसा कुछ किया नहीं अभी जो मैंने आपको बताया है जो करवाया है ये हम ऑलरेडी पहले भी सीख चुके हैं शेयर फोर्स डायग्राम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब बना रहे थे रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं जब हम ऑलरेडी आपको तो बता चुके हैं अभी तक हमने ट्रस्ट के बारे में ऐसा कुछ यहां पर नहीं किया है ठीक है बेसिक फंडामेंटल सीख लिए हैं अब हम इस ट्रस्ट को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं इस ट्रस्ट को सॉल्व करेंगे ट्रस्ट को सॉल्व करने का मतलब है कि डिटरमाइन मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द फोर्सेस इन द मेंबर्स ऑल द मेंबर्स तो यहां पर आपके पास तीन मेंबर्स हैं एक मेंबर ए बी है दूसरा मेंबर बी सी है और एक आपके पास ए सी मेंबर है तो इसमें सभी को क्या करना है आपको फोर्स निकालने हैं मतलब एफ ए बी बताना है आपको एफ ए सी बताना है और एफ बी सी बताना है ठीक है कैसे करेंगे स्टेप्स लिखे हुए हमने पहले सबसे पहले आपने क्या करना है रिएक्शंस को कैलकुलेट करना था रिएक्शंस आप कैलकुलेट कर चुके हो अब आपको क्या करना है ज्वाइंट सेलेक्ट करना है क्योंकि मेथड ऑफ ज्वाइंट पढ़ रहे हैं हम लोग है ना लिख दू क्या एक बार यहां पे बाय मेथड ऑफ ज्वाइंट बाय मेथड ऑफ ज्वाइंट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं बाय मेथड ऑफ ज्वाइंट तो मेथड ऑफ ज्वाइंट में सबसे पहले क्या करना होता है सबसे पहले आपको एक ज्वाइंट को सेलेक्ट करना है एक ज्वाइंट को कंसिडर करना है और ज्वाइंट को कंसिडर करते समय यह आपको ध्यान रखना है कि उस ज्वाइंट पर दो से ज्यादा अननोन फोर्स नहीं होने चाहिए दो से ज्यादा अननोन नहीं होने चाहिए, या तो एक होना चाहिए, या फिर दो होने चाहिए। अब आप देखो जरा, तो थी थी, तो हो चुकी है तो यहाँ पर एक ए सी दूसरा दूसरा मतलब तो दो ही फोर्स यहां पर अननोन है इस ज्वाइंट को कंसिडर करोगे तो थर्टी किलोमीटर लगा हुआ लोड है वहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसको भी कर सकते हो और यहां पर ज्वाइंट बी को देखो यहां भी दो ही फोर्स हैं, क्योंकि रिएक्शन हम कैलकुलेट कर चुके हैं तो इस पर्टिकुलर केस में आप किसी भी ज्वाइंट को कंसिडर कर सकते हो नो प्रॉब्लम एट ऑल लेकिन आगे चल करके ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि वहां पर एक एक फोर्स एक एक ज्वाइंट पर तीन तीन चार चार फोर्स लगे होंगे दो से ज्यादा अननोन फोर्स होंगे तो उस केस में आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा तो इस केस में तो आप कोई सा भी साइंट कंसिडर कर सकते हैं सेम आंसर आएगा आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो मैं कंसिडर कर रहा हूं लेटेस्ट कंसिडर ज्वाइंट ए पहले मैं ज्वाइंट ए को कंसिडर कर रहा हूं कंसिडर ज्वाइंट ए कंसिडर ज्वाइंट ए हमने ए ज्वाइंट को कंसिडर करना है तो ज्वाइंट ए रहा आपका ये यहां पे तो बना लेते हैं इसका ज्वाइंट ए को तो करना क्या है आपको ज्वाइंट ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है ये है हमारा ज्वाइंट ए बोलो यस और नो यस ए पर देखो कितने फोर्स हैं कितनी रिएक्शन हैं तो सबसे पहले आप यहां पर ध्यान रखेंगे एक फोर ये जो मेंबर है कौन सा मेंबर है भाई इस ज्वाइंट पर कितने मेंबर मिल रहे हैं आपको एक ए बी मेंबर है और एक ए सी मेंबर है तो ए जिस डायरेक्शन में ये मेंबर हैं उस डायरेक्शन में यहां पर मेंबर बना दो तो देखो हॉरिजॉन्टल कौन सा है ए डी तो यहां पर हो जाएगा एक फोर्स आपका इस ज्वाइंट से एक फोर्स लग रहा होगा जिसको हम क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको दैट इज बताओ भाई ये ज्वाइंट ए है एक मेंबर है ए बी तो ये मेंबर ए बी हो जाएगा तो इसके अंदर हम मान लेंगे जो फोर्स है दैट इज ए बी ये हमको कैलकुलेट करना है दूसरा एक मेंबर है यहां पर इस ज्वाइंट पर सी तो ये हो गया आपका ए सी बोलो यस और नो और इसको हम बोलेंगे ये ए था ये बी था और ये आपका सी है तो यहां पर जो फोर्स आएगा उसको क्या बोलोगे ए सी सी कितना फोर्स है ए सी है भाई ये मेंबर ए बी है तो हमने लिखा यहां पर एफ ए बी ये हम कैलकुलेट करना है और ये मेंबर आपका ए सी है तो हमने लिखा एफ ए सी और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है सिक्सटी डिग्री एक कंफ्यूजन बच्चों को बड़ा होता है ये गलती अगर आपने नहीं करी जो मैं बताने जा रहा हूं तो ट्रस्ट में कोई गलती होगी नहीं जीवन में सिर्फ यही गलती होती है अब स्टूडेंट्स तो आपको, आपको क्या करना है हर एक में हर एक में टेंशाइल फोर्स मान लो जैसे मान लो ये ज्वाइंट है मैंने तो आप मैंने क्या करा ए बी में टेंशन मान लिया ए सी मेंबर में टेंशन मान लिया आप इसको ऐसे मान सकते थे ऐसे भी कर सकते हैं कई बुक में ऐसे भी रहता है कि भाई ये एक ज्वाइंट है इस ज्वाइंट पेन्साइल एक, एक है।, है जो ज्वाइंट की तरफ आ रहा है वो कंप्रेसिव ज्वाइंट से दूर जा रहा है वो टेंसाइल ये टेंसाइल नेचर का फोर्स है और ये कंप्रेसिव नेचर का फोर्स है इस पर मान लो एक और लगा दिया हमने तो ये भी अंदर की तरफ आ रहा है ये भी अंदर की तरफ आ रहा है तो ये भी कंप्रेसिव है अगर एक फोर्स और लगा दो यहाँ पे ये बाहर की तरफ जा रहा है तो ये टेंसाइल है आप कौन सा फोर्स कंसिडर करोगे कुछ नहीं करना है आपको जब आप कंसिडर करोगे उस से बाहर तरफ लगाओ, आप अगर आपका आंसर नेगेटिव आया मान लो आपने यहां पर एफ ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करी आपने यहां पर एफ ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करी और वो मान लो सेवन किलोमीटर आ गई मतलब प्लस में आई है वैल्यू आपकी जब सॉल्व करा तो प्लस में आई इसका मतलब हमारा एजेंसन सही था

और यहां पर देखो इस ज्वाइंट पे कोई और सोनी रिएक्शन वगैरह लगी हुई है एक रिएक्शन और लगी हुई है यहां पर पर देखो ग्रीन कलर से हमने शो कर रखी है है इस ए एक रिएक्शन भी उसको मत छोड़ देना तो यहां पर एक रिएक्शन भी दिखा दो वर्टिकल डायरेक्शन में आपने क्या करो रिएक्शन भी दिखाओ यहां पे वर्टिकल डायरेक्शन में एक रिएक्शन भी लगी हुई है और इसकी वैल्यू आपको पता है हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं ये नोन है आर ए कितना है आर ए की वैल्यू है ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव किलो न्यूटन बस अब इस ज्वाइंट पर आप देखोगे तो केवल दो फोर्स अन केवल दो फोर्स बी और दूसरा एफ ए सी बस कुछ मत करो अब जो काम करना है इतना काम था जो ट्रस्ट के लिए अलग से बताना था बाकी सारी चीजें हमको पहले से आती हैं अब हमारे पास दो इक्वेशन होंगी जब जब ज्वाइंट कंसिडर करोगे तब दो इक्वेशन आपको सिर्फ लगानी है याद कर लो ये एक तो वर्टिकल फोर्सेस में एल्जेब्रिक समझा होना चाहिए जीरो और दूसरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्सेस का वो कितना होना चाहिए जीरो पर ये दो अप्लाई करो और आपका जो है आ जाएगा। तो देखो यहां पर पे, यहां पे हमने क्या किया कि एल्जेब्रिक वर्टिकल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखो कितने फोर्स हैं ये तो हॉजेंटल डायरेक्शन में एफ ए बी इसको कंसिडर करोगे नहीं तो एफ ए सी है

बहुत सिंपल टॉपिक है बहुत ही सिंपल टॉपिक है देखो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना फोर्स है एक तो आर ए है ऊपर की तरफ आर ए ओके एक आपका देखो एफ ए सी है ये हो जाएगा एफ ए सी कॉस सिक्सटी ये हो जाएगा ऊपर की तरफ एफ ए सी साइन सिक्सटी बोलो ये और नो तो प्लस एफ ए सी साइन सिक्सटी इक्वल टू कितना होगा जीरो तो यहां से आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी इधर जाकर के या आप कहो इसको आपको यहां से एफ ए सी की वैल्यू मिल जाएगी बताओ एफ ए सी कितना एफ ए सी हो जाएगा माइनस के आर ए अपॉन साइन सिक्सटी अरे यस और नो। तो यहां से बताओ जरा एफ ए सी की वैल्यू कितनी आ रही है आर ए की वैल्यू पता है ना आपको बोलो यस और नो दिस इज माय कैलकुलेटर ओके तो यहां से आपको मिल जाएगा माइनस ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव अपॉन साइन सिक्सटी

माइनस में वैल्यू आ रही है कितना माइनस ट्वेंटी ने भी लिख सकते हो सी इज इक्वल टू माइनस हटा दो ट्वेंटी एट और ब्रैकेट में लिख दो नेचर का है फोर्स कैसा कंप्रेसिव नेचर का है मतलब ये जो निगेटिव साइन बता रहा है निगेटिव साइन क्या बताता है कि कंप्रेसिव नेचर का फोर्स है नेगेटिव साइन क्या शो करता है नेगेटिव साइन नेगेटिव साइन शो करता है नेगेटिव साइन शो करता है क्या कि ये कंप्रेसिव नेचर का फोर्स है कैसे नेचर का फोर्स है कंप्रेसिव नेचर का फोर्स है कंप्रेसिव नेचर का फोर्स है बोलो ये सोर नो आर यू गेटिंग माई पॉइंट अगर प्लस आता तो ठीक है कंप्रेसिव आया इसका मतलब इसमें जो आपने टेंशन माना है ना टेंसाइल फोर्स ये टेंसाइल फोर्स नहीं है ये कंप्रेसिव फोर्स है ठीक है

इधर की तरफ प्लस ये वाई है ना तो प्लस इधर की तरफ माइनस अरे ये प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई इतना तो पता ही है क्यों भाई मैंने तो रिकॉल करा रहा हूं आप लोगों को तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फोर्स कितना है एफ ए बी है चलो जी एफ ए बी लिख दिया प्लस है अच्छा दूसरी इसको तो कंसिडर करोगे नहीं कि तो प्योर वर्टिकल डायरेक्शन में अब देखो यहां पे हमने ले लिया था तो वर्टिकल में एफ ए सी साइन सिक्सटी ले चुके हैं अब यहां पर आ जाएगा एफ ए सी कॉ सिक्स प्लस आएगा प्लस आएगा प्लस एफ ए सी कॉस सिक्सटी इक्वल टू जीरो नौ एफ ए बी की वैल्यू मिल जाएगी यहां से क्योंकि एफ ए सी की वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी एफ ए बी आ जाएगा यहां से एफ ए बी बताओ अच्छा एफ ए सी की वैल्यू कितनी है ध्यान रखना यहां पर ये साइन के साथ वैल्यू रखनी है आपको इस इक्वेशन में ध्यान रखो भाई यही गलतियां होंगी जब होंगी तो अब देखो यहां पर मैंने एफ ए सी की वैल्यू आई थी एक्चुअल वैल्यू थी माइनस के ट्वेंटी फाइव पॉइंट नाइन एट किलोमीटर फिर मैंने साइन हटा दिया यहां पर लिख दिया ट्वेंटी लिख दिया कंप्रेसिव है अरे माइनस ही तो कंप्रेसिव बताता है माइनस साइन को जब मैंने रिमूव कर दिया तो लिख दिया मैंने उस शब्दों में यहां पर कंप्रेसिव है अब बात यह आएगी एफ ए सी की वैल्यू इस इक्वेशन में जो एफ ए सी लिखा हुआ है कि आप प्लस ट्वेंटी फाइव रखोगे कि माइनस ट्वेंटी रखोगे माइनस में रखोगे जो एक्चुअल वैल्यू आई थी ये गलती मत करना ठीक है तो माइनस कितना हो जाएगा ऑलरेडी देखो यहां पर यह प्लस है और ये हो जाएगा माइनस कितना ट्वेंटी फाइव पॉइंट नाइन एट बोलो ये सोर नो इंटू कॉस सिक्सटी इक्वल टू जीरो अब इसको आप सॉल्व कर लो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर ये, ये उधर जा करके देखो ये माइनस सॉरी ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा उधर जाकर के प्लस हो जाएगा तो ये एफ ए बी की जो वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी ये आएगी प्लस में है ना तो कितना हो जाएगा ये ट्वेंटी फाइव पॉइंट नाइन एट इंटू कॉस सिक्सटी इट इज कमिंग आउट एक सेकेंड एक सेकेंड ठीक है ना उट ट्व पॉइंट नाइन नाइन इतना तो नहीं आना चाहिए यार एक बार क्रॉस चेक कर लें क्या ट्वेल्व पॉइंट नाइन नाइन आ रहा है F, लिखा हुआ है इसको F2 तो इनकी जो F2 की वैल्यू आ रही है हाँ जी बिल्कुल ठीक आ रही है 12.99 है नो प्रॉब्लम एट ऑल 12.99 किलो न्यूटन अब ये क्योंकि प्लस में आया है ना प्लस में आया इसका मतलब टेंसाइल है प्लस में आया है वैल्यू इसका मतलब टेंसाइल है मतलब ए बी जो मेंबर है इसमें जो डायरेक्शन हमने टेन टेंसाइल वो टेंसाइल ही है पूरी टेबल बनाऊंगा अभी चल करके आपको क्या करना है देखो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं पहला ही क्वेश्चन है इसलिए समय ले रहा हूं ताकि कोई भी डाउट आपके दिमाग में ना रहे इसके बाद तो जस्ट आपको प्रैक्टिस करते जाना है ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया होना चाहिए है ना आपको ये जो भी मतलब ट्रस्ट का तो मैं थोड़ा सा ही पार्ट है यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं बस आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है चलो अब हमारे पास दो मेंबर में फोर्स आ चुके हैं ए बी मेंबर में फोर्स आ चुका है ए सी मेंबर में फोर्स आ चुका है देखो ए बी मेंबर में और ए सी मेंबर में फोर्स आ चुका है नौ एक मेंबर बच गया अभी बी सी इस बी सी मेंबर में फोर्स निकालना है तो इसके लिए दूसरा ज्वाइंट हमको कंसिडर करना पड़ेगा लेट लेटस्ट कंसिडर दीदर ज्वाइंट अस कंसिडर अनादर ज्वाइंट दूसरा ज्वाइंट कौन सा कंसिडर करोगे जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर तो आप कोई सा भी साइंट कंसिडर कर लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है

ज्वाइंट बी ठीक है अब इस ज्वाइंट बी पे देखो कितने मेंबर्स हैं कितने मेंबर्स हैं यहां पे देखो एक तो ये है आपका बी ए मेंबर या ए बी मेंबर इस डायरेक्शन में बोलो यस और नो बहुत बढ़िया और एक है आपका बी सी मेंबर एक आपका कौन सा मेंबर है बी सी मेंबर है बोलो और इनके बीच का एंगल कितना है दिस एंगल इज थर्टी डिग्री ये है आपका बी ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा सॉरी दिस इज ए एंड दिस इज सी दिस एंगल इज थर्टी डिग्री तो ये फोर्स कितना हो जाएगा इसके अंदर एफ ये फोर्स कितना हो जाएगा? बता सकते हो ये ए बी है ना तो एफ ए बी और ये कितना हो जाएगा एफ बी सी और एक रिएक्शन भी लगी हुई है इसको मत भूल जाना फिर से गलत हो जाएगा सब कुछ एक रिएक्शन लगी हुई जो हम ग्रीन कलर शो कर रखा था यहां पे. कितनी है रिएक्शन बी That इज इक्वल टू सेवन पॉइंट फाइव किलो न्यूटर्न. तो केवल हमको बीसी मेंबर में फोर्स चाहिए ये भी तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं चलो तो एक काम करो इसमें कौन सी इक्वेशन लगाओगे कौन सी इक्वेशन लगाना चाहते हो कोई सी भी इक्वेशन लगा दो समेशन एफ भी इक्वल टू जीरो लगा दो या फिर आप समेशन एफ ऑरिजेंटल वाइज लगा दो. दोनों से आंसर आ जाएगा तो मैं ये वाली इक्वेशन लगा रहा हूँ ठीक है ना ये इक्वेशन लगा रहा हूँ कोई से लगा लेना कोई दिक्कत नहीं आंसर सेम आएगा तो इसको जब इक्वेशन एफ बी सी है ना तो एफ बी सी क्या है इधर की तरफ कितना आएगा ये? FBC, आएगा ये माइनस माइनस में ना के FBC, थर्टी। लेकिन हम तो वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा एफ बी सी प्लस में आएगा साइन थर्टी तो एफ बी सी साइन थर्टी लिखेंगे एफ बी सी साइन थर्टी और कोई फोर्स है एक एक रिएक्शन यहां पर 7.5 अपवर्ड डायरेक्शन में है तो प्लस और माइनस प्लस कितना 7.5 इक्वल टू जीरो बोलो यस और नो तो यहां से देखो बीसी मेंबर में फोर्स मिल जाएगा आपको कितना आ जाएगा एफबीसी दैट इज इक्वल टू माइनस के 7.5 अपॉन साइन 30 तो बता दो जरा आरवी की वैल्यू कितनी आ रही है और ये माइनस में आएगी माइनस के 7.5 अपॉन sin 30

दिस इज नॉट आर एफ बी सी है ना एफ बी सी तो कितना हो जाएगा ये एफ बी सी दैट इज इक्वल टू फिफ्टीन फिफ्टीन किलो न्यूटन कंप्रेसिव मैंने माइनस हटा दिया तो क्या लिख दिया कंप्रेसिव तो तीन मेंबर थे एसी मेंबर माइनस ट्वेंटी फाइव पॉइंट नाइन एट यानी कंप्रेसिव फोर्स आया एफ ए ट्वेल्व पॉइंट किलोमीटर फोर्स आया

ठीक है तो हमने क्या हम इसकी समरी अगर हम लिखना चाहें इसकी समरी अगर हम लिखना चाहें तो कैसा लिखेंगे इसकी समरी अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या यस और नो यस माई डियर स्टूडेंट्स तो एक काम करते हैं जो आपके मेंबर्स आए हैं उनको यहां लिख दो जरा अच्छा लगेगा ठीक है जो आंसर आपके आए हैं क्योंकि जब आप ऐसा लिख करके आओगे ना तो पूरा क्वेश्चन भी शायद वो चेक ना करे एग्जामिनर आपका वो आपकी ये टेबल देख लेगा तो आपने क्या लिखोगे यहां पे लिखोगे मेंबर्स मेंबर कौन सा है कितने मेंबर थे मेंबर यहां पर आएगा ए बी मेंबर ए सी मेंबर और बीसी मेंबर अब इसको एबी की जगह बी ए लिख सकते हो इसको एसी को सी ए लिख सकते हो बीसी को सी बी लिख सकते हो ड मैटर एट ऑल ठीक है तो आपने टेबल बना करके यहां पर फाइनल आंसर अपने लिख दोगे यहां पर हमने लिख दिया मेंबर और यहां लिख दो फोर्स कितना आया उसका नेचर कैसा आया ठीक है तो ए बी मेंबर देखो जरा कितना फोर्स है था हमारे पास ए बी मेंबर कहां गया ए बी मेंबर ए बी मेंबर, मेंबर ये रहा 12.99 12.99 है ना ए बी के अंदर आया 12.99 किलो न्यूटन क्योंकि ये प्लस था तो क्या लिखेंगे टेंसाइल क्योंकि ये वैल्यू प्लस में आ रही थी ठीक है देन उसके बाद एसी मेंबर था एसी मेंबर में कितना आया था 25.98 माइनस में था तो कंप्रेसिव है तो 25.98 25 एसी मेंबर में आया 25.98 किलो न्यूटन लेकिन ये माइनस में आ रहा था इसलिए क्या लिखेंगे कंप्रेसिव सी का मतलब कंप्रेसिव टी का मतलब टेंसाइल नेक्स्ट जो बीसी मेंबर था बीसी मेंबर में भी आया था माइनस के मतलब कंप्रेसिव कितना 15 तो माइनस के 15 था तो लिखेंगे 15 किलो न्यूटन और नेचर कैसा है कंप्रेसिव बोलो तो इस तरह से आप जो है ट्रस्ट के को सॉल्व कर सकते हो और फाइनल रिजल्ट जो है वो इस इस फॉर्म फॉर्मेट में अपने दे सकते हो ताकि एक टेबल को देखकर ही समझ में आ जाए क्योंकि जब मान लो मैं एग्जामिनर हूं मैं कॉपी चेक कर रहा हूं आप लोगों की तो मुझे तो पहले से सॉल्यूशन पता है उसका अब यहां पर तीन से ज्यादा मेंबर होंगे तो टेबल आपकी बड़ी हो जाएगी उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो मैं क्या करूंगा कि मेरे पास क्योंकि पहले से सॉल्यूशन है मेरे को आंसर तो रटे हुए हैं मेरे को तो पता है कि इसका आंसर सॉल्व करके इतने आएंगे तो मैं टेबल चेक करूंगा आपकी तो टेबल जब मैं चेक करूंगा तो मेरे को ये आंसर अगर दिख जाएंगे तो मेरे को क्या जरूरत है फिर इसको पूरा सॉल्यूशन चेक करने की सॉल्यूशन आपने कर रखा है मेरे को ये टेबल देख करके आंसर पता लग जाएंगे आपके तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो एग्जामिनर को थोड़ा सा मतलब कन्वीनियंस कन्वीनियंट रहता है कि आपका जो सॉल्यूशन आपने किया है उसको कितना ईजिली वो रीड कर पा रहा है ठीक है तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं क्योंकि मैं पहले रिएक्शंस कैलकुलेट करी फिर मैंने रफ कर दिया तो आपको नोट कर लेना चाहिए था फिर मैंने रिय रिएक्शन कैलकुलेट करी जो भी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी है यहाँ पे वो सारी चीजें एक्चुअल सोल्यूशन तो इसका इतना ही है ट्रस्ट का ठीक है चलो अब क्या करना है आपको इस जो क्वेश्चन मैंने दे रखा है इसको थोड़ा प्रैक्टिस मारना क्वेश्चन को ट्राई करना है ना इसमें मेंबर्स कितने हैं काफी सारे मेंबर्स हैं हर एक मेंबर्स में आपको क्या करना है फोर्स निकालना है तो सबसे पहले रिएक्शंस निकालनी होंगी यहाँ पर हॉरिजेंटल फोर्स भी लगा हुआ है तो यहाँ पर हॉरिजेंटल रिएक्शन भी आएगी इस बार यहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी ठीक है और यहाँ पर दो रिएक्शन आएंगे यहाँ पर एक रिएक्शन आएगी तो रिएक्शन तो कल कम से कम कैलकुलेट कर ही सकते हो बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा पहले जस्ट आपका दिमाग को ओपन करने के लिए है नहीं होगा तो चिंता मत करिएगा ठीक है ना क्योंकि अभी हमने बहुत ही बेसिक सा सवाल करवाया आपको और कितने बड़े बड़े भी सवाल होंगे कोई दिक्कत नहीं तरीका वही है एक एक ज्वाइंट को सिलेक्ट करते जाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना ठीक है ना हर बार एक ज्वाइंट को कंसिडर करो जहां पर केवल दो फोर्स या दो से कम फोर्स हो उसको सॉल्व करो नेक्स्ट ज्वाइंट सेलेक्ट करो फिर उसके बाद नेक्स्ट 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 करते करते चले जाओ, करते चले जाओ जाओ और आपके जो फोर्स है वो आते चले जाएंगे तो या तो नेचर के होंगे या कंप्रेसिव नेचर के होंगे बहुत आसान सा टॉपिक है अगर आपको ये क्वेश्चन जो मैंने समझाया तरीका वही है तरीका कुछ भी अलग नहीं है तो इसकी रिएक्शन कैलकुलेट करना आप लोग और कोशिश करना अगर आपको पहले से कुछ आइडिया होगा तो आप लोग कर लोगे बड़े आराम से जिसको आइडिया नहीं है पहले से कुछ भी तो डू नॉट वरी अबाउट दैट मैं नेक्स्ट क्लास में इसी क्वेश्चन को पहले सॉल्व करूंगा और जो हमारा अप्लाइड थर्मोडाइनॉमिक्स चल रहा है उसमें भी सिंपल रैंक एंड साइकिल के एक दो बच्चों के कुछ क्वेश्चन थे डाउट्स थे उन डाउट्स को मैं लूंगा है ना बहुत जल्दी और कंप्लीट करते हैं जल्दी से ट्रस्ट को और उसके बाद नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की तो बाकी जैसे कि मैंने इन्फॉर्म करी दिया था आपको स्टार्टिंग में भी अप्लाइड थर्मोडाइनॉमिक्स यदि आप बीटेक टेक मैकेनिकल सेकेंड्री के स्टूडेंट्स हैं और आप पढ़ रहे हैं अप्लाइड थर्माडाइनमिक्स और इंजन मैकेनिक्स तो फुल कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको दिया गया है पूरे उसको कोर्स को एनरोल कर सकते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी जो है एकेटीओ एग्ज़ाम की या किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं उस तैयारी को आप कर सकते हैं अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस को आप इम्प्रूव कर सकते हैं जो कि ऑब्वियसली आपके प्लेसमेंट में या फिर गवर्नमेंट जॉब में जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है ठीक है चलो थैंक यू थैंक यू वेरी मच